आज का हमारा लेक्चर है, टुडेज लेक्चर इज ऑन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पैरलर फिल्म की बात कर रहे हैं। थिन फिल्म में भी हम कौन सी ले रहे हैं? पैरलर फिल्म ले रहे हैं। डिवीजन बाय वेव फ्रंट हमने पढ़ा था कि डिवीजन बाय वेव फ्रंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक सोर्स ले लेते हैं, करते हैं एक सोर्स लेते हैं, सोर्स से जो वेव फ्रंट चलते हैं उन वेव फ्रंट्स का डिवीजन कर देते हैं, उसके आगे क्या करते हैं स्लिट्स यूज कर लेते हैं, टू स्लिट्स S1 और S2, और ये S1 S2 हमारे सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इन दो सोर्स को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कोहेरेंट हैं क्योंकि सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या पाथ डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। तो ये डिवीजन बाय वेव फ्रंट का एग्जांपल है, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म था। डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में क्या होता है, थिन फिल्म होती है, उस थिन फिल्म पे जो लाइट इंसिडेंट होती है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक रिफ्लेक्ट हो जाती है एक रिफ्रैक्ट होती है। जो रिफ्रैक्ट होती है उसका एम्पलीट्यूड भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक रिफ्लेक्ट होता है, दूसरा लोअर सरफेस से बाहर इमर्ज आउट हो जाता है। तो इसको हम डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड करते हैं कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है। इन दिस मैथड द सेम बीम इज पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू सरफेस एंड द टू रिफ्लेक्टेड बीम्स प्रोड्यूस विच कॉज द इंटरफेरेंस पैटर्न। Here the random phase change in primary wavefront is equal to reflected in two beams, so the two beams satisfy the condition of interference. यहाँ पे एक हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म दिखा भी रखा है, एग्जाम्पल है, जैसे आप वाटर के ऊपर कोई ऑयल ड्रॉप यूज करते हैं, है ना, तो उस ऑयल ड्रॉप में आपको डिफरेंट कलर दिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए वाटर ले रखा है, उसके ऊपर एक फिल्म बना रखी है जो यूनिफॉर्म थिकनेस की है, जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो दिखा रखा है कि जो लाइट सोर्स से आ रही है वो एक अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एक नीचे लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये दोनों वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न आप इस फिल्म के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि डिवीजन बाय वेव फ्रंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि डिवीजन बाय वेव फ्रंट के लिए आपको स्क्रीन यूज करनी पड़ेगी इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है आपको उस फिल्म के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारी आई है, आई से हम जब नोट कर रहे हैं, तो या तो यहाँ पे इस फिल्म के अंदर हमें परफेक्टली डार्क दिखेगा या परफेक्टली ब्राइट दिखेगा, बट वो इस फिल्म के अंदर ही हम ऑब्जर्व कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू ट्रांसमिट लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट वाला डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगी, ट्रांसमिट वाला आपको खुद करना है। क्या चेंजेस हैं वो कराऊंगी मैं, और साथ में फिगर बताऊंगी, लेकिन कॉपी में आप खुद नोट करेंगे और उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे, तो लेक्चर के बाद में, है ना। ऊपर वाला हेडिंग है ना? हाँ, ये ऊपर वाला हेडिंग है, बल्कि क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन क्या लिखना है। क्वेश्चन आपको लिखना है Explain the phenomena. Explain the phenomena of interference. Explain the phenomena of interference in thin film. In thin film due to reflected light. कौन है भाई? माइक ऑन करने से पहले सोच लिया करें कि क्लास चल रही है, ठीक है? तो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी इस फिगर को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं, जहां से मुझे डेरिवेशन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नेमिंग है अगर हम ये यूज करेंगे तो दोबारा से डेरिवेशन मुझे कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा नेमिंग चेंज, ये नहीं, ये फिगर नहीं बनानी है, फिगर दूसरी बनानी है जो मैं नेमिंग दूंगी उसके अकॉर्डिंग। तो इस फिगर को लेकिन समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, और अभी मैं क्या करूंगी, रिफ्लेक्टेड के लिए अलग फिगर बनवाऊंगी और ट्रांसमिट के लिए अलग फिगर बनवाऊंगी, है ना। तो इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम रिफ्लेक्टेड वाला करेंगे। तो क्या दिखा रहे हैं, एक हमारे पास ये एक्स वाई और जेड डब्ल्यू प्लेन है जो एक दूसरे से ई डिस्टेंस पे है, या तो कह लीजिए इस पूरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा म्यू है। तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म है हमारे पास, इसके ऊपर सोर्स से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है ए बी,
बी पॉइंट पे अपर सरफेस से इस फिल्म के कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा. जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बी सी डायरेक्शन में है, जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो बी डी डायरेक्शन में है. जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो डी पॉइंट पे यानी कि लोअर सरफेस, फिल्म की लोअर सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्ट होगी डी ई डायरेक्शन में, और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगा डी एच या डी आर डायरेक्शन में. जो पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी डी ई डायरेक्शन में, बाहर इमर्ज आउट हो जाएगा ई एफ, और बी सी और ई एफ के बीच में सुपरपोजिशन होगा और इंटरफ्रेंस पैटर्न हम इस फिल्म के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे. ये तो रिफ्लेक्टेड के केस में होगा. ट्रांसमिटेड के केस में क्या हो रहा है, जो लाइट डी से बाहर इमर्ज आउट हो रही है डी एच डायरेक्शन में, और डी ई पॉइंट पे फिर से क्या हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ से बाहर इमर्ज आउट हो रहा है और डी पॉइंट से वापस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइट ई एम डायरेक्शन में, और यहाँ से एक लाइट तो इधर चली जाएगी, उसको अभी हम नहीं दिखा रहे, एम एस डायरेक्शन में बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी इस फिल्म में. तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो सुपर पोजिशन होगा यहाँ पर, वो हम इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिट लाइट. तो अगर हम ऊपर वाले से इंटरफ्रेंस पैटर्न देख रहे हैं यानी कि बी सी और ई एफ वाली रे से, इसको अगर मैं वन और टू रे बोलूं, इन बीच के इनका इंटरफ्रेंस नोट कर रहे हैं, तो ये इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट होगा. और अगर मैं इसकी बात करूं थ्री और फोर रे की बात, इनके बीच में इंटरफ्रेंस पैटर्न अगर हम देख रहे हैं नीचे से, तो ये होगा इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिट लाइट. तो अभी हम रिफ्लेक्टेड का करेंगे, सेम ऐसे ही आपको ट्रांसमिट का करना है. क्या क्या चेंजेस हो गए वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में खुद करना है. तो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में ही नीचे वाला फिगर बनाना है, इसको मैं अभी जूम करके एंगल भी समझाऊंगी. तो पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं. कंसीडर अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस टी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. टी थिकनेस की फिल्म है, यूनिफॉर्म थिकनेस है पूरी फिल्म की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फिल्म का म्यू है. लेट अ लाइट रे एस इज इंसिडेंट एट एंगल आई, जो लाइट सोर्स से आ रही है एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है अपर सरफेस पे. आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द रे वन एंड टू ऑब्टेन एज ए रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट. अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट यूज किया है. जब आप ट्रांसमिट की काम करेंगे तो यहाँ पे एज ए ट्रांसमिट कंपोनेंट कर देंगे. ठीक है, तो द रे वन एंड टू आर ऑब्टेन एज ए रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट. As the ray 1 and 2 satisfy the condition for superposition, so interference pattern is obtained. अब क्या करेंगे, हमने perpendicular draw किया DL AB पर और CN AD पर, दो perpendicular draw किए, एक हमने DL draw किया और एक हमने CN draw किया. जूम अभी कर रही हूँ, पहले एक बार यहाँ पे एंगल बना देती हूँ. देखिए, ये हमारा आई है इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होगा. ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला 90 डिग्री है, इसलिए ये हमारा 90 माइनस आई होगा. और ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, इसलिए जो ये वाला एंगल है यानी कि ए डी एल, ये हमारा आई होगा. ऐसे ही जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये हमारा आर है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेट एंगल ये वाला भी हमारा आर होगा. और इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये आर है, तो हमारा ये भी आर होगा. अब मैं इसको फिलहाल जूम कर देती हूँ समझाने के लिए. तो देखिए, मैंने क्या कहा, हमारी ये फिल्म है, ठीक है, जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुई ए पॉइंट पे, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया ए बी डायरेक्शन में और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया ए सी डायरेक्शन में. जो ए सी डायरेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट हुई थी, ये लोअर सरफेस से कुछ पार्ट इमर्ज आउट हो गया, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके डी ई डायरेक्शन में यानी कि रे टू के फॉर्म में बाहर निकल गया इस फिल्म से. तो रे वन और रे टू एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे और इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा. अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, रे वन और रे टू के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा. तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा कि जो हमारी रे टू है वो एक्स्ट्रा पाथ चल रही है मीडियम के अंदर, वहीं पे जो हमारी रे वन है वो एक्स्ट्रा पाथ चल रही है एयर के अंदर. हमने ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया था कि हम ये पाथ देखना चाह रहे थे कि एयर में कितना चलेगी. तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड टू कितना हो जाएगा, पाथ ट्रेवल बाय रे टू इन मीडियम माइनस पार्ट ट्रेवल बाय रे वन इन एयर. तो ए सी प्लस सी डी इंटू म्यू माइनस ए एल. तो ये फिगर ड्रॉ करनी है और ये लैंग्वेज लिखनी है,
उसके बाद फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा पी से दिखाते हैं, तो मतलब पाथ ट्रेवल बाय रेट टू इन मीडियम माइनस पाथ ट्रेवल बाय रे वन इन एयर, तो ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो जो हमारी रे टू है वो मीडियम में चल रही है एसी प्लस सीडी, और हमारी जो रे वन है वो एक्स्ट्रा चल रही है एयर में एल। क्या करेंगे, हमारे पास देखो तीन ट्रायंगल हैं एसी एन एन सी डी और ए डी एल, तो हम इन तीनों ट्रायंगल को यूज करके एसी सीडी और एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पुट कर देंगे, हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। रिपीट कर दीजिए, एंगल समझ लीजिए क्या है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो ए पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल आई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होगा, ठीक है। फिर हमने डीएल परपेंडिकुलर डाला है तो इसलिए एंगल ए एल डी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, ये हमारा इस पे नॉर्मल है ऊपर वाले सरफेस पे, ये पूरा एंगल 90 है, ये हमारा आई है, तो इसलिए ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस आई होगा, ठीक है। आपको कर्सर दिख रहा होगा इसलिए मैं कर्सर इसको यहाँ पे मूव कर रही हूँ, ये 90 माइनस आई है, ये हमारा 90 है, तो इसलिए जो हमारा एंगल है एल डी ए यानी कि ये वाला जहाँ पे दो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये एंगल आई होगा हमारा। फिर हमारा ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों नॉर्मल है सरफेस पे पैरेलल होंगी, तो अल्टरनेट एंगल है ये हमारा आर है, तो ये वाला भी आर होगा। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो ये आर है तो हमारा इसलिए ये भी आर होगा। हमारी फिल्म की जो थिकनेस है वो टी है, तो इस जगह भी थिकनेस टी है, इस जगह भी टी है, और अगर बात करूं एनसी की तो इस जगह भी थिकनेस टी ही होगी। तो हमारे पास तीन ट्रायंगल है ए सी एन है, एक एन सी डी है और एक ट्रायंगल ए एल डी है, ठीक है। इन ट्रायंगल में हमें साइन कॉस टेन जो भी हमें वैल्यू चाहिए होगी उस अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ए सी सी डी और ए एल की। तो यहाँ तक अगर नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ, है ना। तो अब हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पाथ टू मीडियम में कितना चल रही है ए सी प्लस सी डी इंटू म्यू, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखा जाए तो ए सी प्लस सी डी इंटू म्यू माइनस ए एल। तो हमें ए सी सी डी ए एल की वैल्यू चाहिए इन ट्रायंगल से, तो जब ये नोट कर लें बता दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे फिर वहां पे पार्ट डिफरेंस डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं कर दे रही हूँ, शायद वहां पर भी ये लिखा हुआ तो है या नहीं है, नहीं फिगर ही है। मैम ये कुछ वैसी फिल्म है जो कार पे एक पतली सी फिल्म होती है मैम, थिन वाली। हाँ बिल्कुल वही मान सकते हैं, इन्हीं को यूज करते हुए जो हम कार के ऊपर या विंडोज के ऊपर जो फिल्म लगाते हैं, या आपने ऐसी विंडोज भी देखी होंगी, ग्लास देखे होंगे कि एक साइड से तो सब दिखता है और एक साइड से देखते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन ही दिखता है, तो जब हम वहाँ पे वो फिल्म यूज करते हैं तो वही है ये, है ना। इन्हीं कंडीशंस की किस तरीके की थिकनेस रखी जाए हमें कि रिफ्लेक्टेड में मैक्सिमा दे या ट्रांसमिट में मैक्सिमा दे, तो यूज करते हैं, लेकिन अभी वो बाद में समझ में आएगा जब हम ऑप्टिकल फिल्टर पर आएंगे, तो अभी पहले इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट का समझ लेते हैं कि दोनों में क्या चेंज आ रहा है ना, फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या उन ग्लास पे जो फिल्म होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, AC, CD, AL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा P है हमारा म्यू AC प्लस CD माइनस AL। तो पहले AC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल AC N यूज करेंगे,
ठीक है, हमें एसी चाहिए, एसी चाहिए और सीएन हमें पता है टी है, तो क्या यूज करें ट्रायंगल में, ट्रायंगल एसीएन में क्या यूज करें कि हमें एसी की वैल्यू आ जाए, कॉस साइन टेन क्या यूज करें, साइन साइन ये आप देख लीजिए ये कौन सा एंगल होगा, हमें ये पता है और ये हमें निकालना है, साइन है कि कॉस है, मैम कॉस है क्योंकि जिस तरह एंगल होता है एंगल तो वो बेस होता है ना, हाँ तो कॉस आर, कॉस आर, कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस आर हो जाएगा सी एन अपॉन ए सी, ठीक है, और यहाँ से हमारा ए सी हो जाएगा सी एन अपॉन कॉस आर और सी एन हमारा टी है तो ए सी इक्वल टू टी कॉस आर, जैसे हमारी ए सी की वैल्यू आई वैसे हम सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ट्रायंगल एन सी डी से, और सेम यहाँ पे भी एन सी डी में हमें क्या है, हमें ये वाला एंगल आर है ये हमें पता है और सी डी हमें निकालना है, तो यहाँ पर भी कॉस आर ही यूज होगा, तो कॉस आर इक्वल टू सी एन अपॉन सी डी, ठीक है, तो यहाँ से सी डी आ जाएगा टी कॉस आर, तो हमारा ए सी और सी डी की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, ए एल की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, तो ए एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल ए एल डी यूज करेंगे, हमें क्या चाहिए इस ट्रायंगल में, हमें ये वैल्यू चाहिए ए एल और ए डी, हम लोअर सरफेस से लोअर वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल हमारा आई है ना, पीछे जब हमने बनाया था फिगर तो उसमें ये वाला एंगल हमने आई लिखा था, तो ए एल हमें निकालना है, ए डी हम लोअर वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, देखिए ए एल हमें निकालना है और AD हम लोअर वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, तो मतलब AD यूज कर लेंगे, तो साइन लगाएं कि कॉस लगाएं या टेन, साइन साइन है ना, तो साइन आई इक्वल टू ए एल अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है, तो ए एल इक्वल टू ए डी साइन आई और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं ए एन प्लस एन डी, ठीक है, तो ए डी इक्वल टू ए एन प्लस एन डी, तो ए एन और एन डी की वैल्यू और चाहिए, इक्वेशन फोर में पुट कर देंगे तो ए एल आ जाएगा और ए एल सी डी ए सी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, तो ए एन और एन डी और कैलकुलेट कर लेते हैं, ए एन कैलकुलेट किससे करेंगे, लोअर वाले ट्रायंगल से ए सी एन से, तो अब हमें क्या चाहिए, ए एन चाहिए, ठीक है, ए एन कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल ए सी एन यूज करना है, ए एन आपको फाइंड करनी है, सी एन आपको पता है कि टी है, तो यहाँ पे अब क्या लगेगा, साइन कॉस टेन क्या लगाएं, साइन लगाएं टेन टेन, हाँ बिल्कुल ठीक, टेन यूज करेंगे, टेन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन अपॉन सी एन, तो ए एन क्या हो जाएगा हमारा सी टेन आर और सी एन क्या है टी है हमारा, तो ए एन हो जाएगा टी टेन आर, जैसे हमारा ए एन आया वैसे ही हमारा एन डी आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे ट्रायंगल एन सी डी में टेन आर यूज करेंगे, टेन आर हो जाएगा एन डी अपॉन एन सी और फिर एन डी हमारा सेम आ जाएगा टी टेन आर, ठीक है, एन डी और ए एन की वैल्यू इक्वेशन फोर में पुट करिए तो ए एल आ जाएगा, ठीक है, यहां तक करिए, फिर नेक्स्ट क्योंकि उसके बाद एक दो स्टेप और है, फिर ए एल की वैल्यू सी डी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिगर दोबारा नहीं बनानी है, फिगर एक ही बार बनानी है, तो मेरे को दोबारा इसलिए लानी पड़ती है कि फिर पीछे से एंगल कैसे समझाऊंगी, है ना, करेंगे इतने जिनका नोट हो गया है वो क्या करिए, इक्वेशन फाइव और सिक्स से ए एन और एन डी की वैल्यू इक्वेशन फोर में पुट कर दीजिए। हेलो मैम, हाँ बताइए मैम, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है ये थोड़ा बता दीजिए, यहाँ पे म्यू कैसे आया, म्यू कैसे आया, इसको ऐसे समझिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, एयर में जो लाइट ट्रैवल कर रही है और जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है उन दोनों को यूज करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डी होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी है ना, और एयर में होती है वो सी,
तो अगर सी और वी को रिलेट करेंगे तो वी की जगह हम सी बाय एन लिख सकते हैं. एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो इसको हम अगर देखें यहाँ से डी इक्वल टू वी टी और वी की जगह सी बाय एन टी, तो यहाँ से एन डी इक्वल टू सी टी, मतलब एयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो मीडियम में किसके बराबर होती है? एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और डिस्टेंस ए सी प्लस सी डी है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम जो रे वन है वो तो एयर में ले रहे हैं और जो रे टू है वो पहले मीडियम में ट्रैवल होके आ रही है, तो दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर. यस यस मैम. मैम. चलिए, तो क्या करिए, इक्वेशन 5 और 6 से वैल्यू इक्वेशन हमने 4 में पुट कर दी है, तो ए एल इक्वल टू हो जाएगा 2t tan r sin i, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन आर अपॉन कॉस आर. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारा होता है स्नेल लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, तो यहाँ से साइन आई हमारा हो जाएगा म्यू साइन आर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए एल हो जाएगा 2t sin r अपॉन कॉस आर इंटू साइन आर इंटू म्यू, तो साइन स्क्वेयर आर हो जाएगा, तो ए एल इक्वल टू 2 μ t sin² r अपॉन कॉस स्क्वेयर आर. 7 इक्वेशन आ गई. तो अब हमारे पास ए एल भी आ गया है, ए सी भी कैलकुलेट कर चुके, सी डी भी कैलकुलेट कर चुके, तो ए एल ए सी सी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो 1 हमारी क्या थी? डेल्टा पी इक्वल टू म्यू ए सी प्लस सी डी माइनस ए एल, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर हम. तो डेल्टा पी में ए सी की वैल्यू रखी टी अपॉन कॉस आर, सी डी की वैल्यू रखी टी अपॉन कॉस आर, माइनस ए एल की वैल्यू रखी 2 μ t sin² r अपॉन कॉस आर. यहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 μ t अपॉन कॉस आर माइनस 2 μ t sin² r अपॉन कॉस आर. यहाँ से 2 μ t अपॉन कॉस आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर. 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर हमारा कॉस स्क्वेयर आर हो जाएगा. कॉस स्क्वेयर आर कॉस आर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2 μ t cos r. इक्वेशन 8. ठीक है, अभी लेकिन हमारा ये पूरा नहीं हुआ है पार्ट डिफरेंस. अभी हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो रे वन है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और जो रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आती है स्टोक्स लॉ से, उसमें हम ये कहते हैं कि एडिशनल पाई का फेस चेंज हो जाता है या लैम्डा बाय टू का पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा पी जो हम कैलकुलेट करके आए हैं इसमें प्लस माइनस लैम्डा बाय टू करते हैं. मैं फिलहाल प्लस साइन लेके चल रही हूँ. ठीक है, आप चाहे दोनों साइन लेके चल सकते हैं या माइनस लेके चल सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आता. तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. चलिए, हमने क्या कहा, जो हमारी रे वन है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इसलिए उसमें एडिशनल फेज चेंज हो जाता है, पाई का स्टोक्स लॉ है हमारा ये, यानी कि लैम्डा बाय टू का पार्ट डिफरेंस हो जाता है. तो देयर फोर इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो हमने कैलकुलेट किया उसमें हम प्लस माइनस लैम्डा बाय टू कर लेते हैं. मैं फिलहाल प्लस साइन लेके चल रही हूँ, है ना, वरना फिर बार बार प्लस माइनस लेना पड़ता है. कोई सा भी एक साइन लेके चलिए. डेल्टा पी इक्वल टू 2 μ t cos r इक्वल टू प्लस लैम्डा बाय टू, हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया. कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे. कंडीशन फॉर मैक्सिमा मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू होगा. और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू होगा. तो वही कंडीशन हम यहाँ यूज कर लेंगे. द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस विल बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, टू डेल्टा पी इक्वल टू 2n λ/2. पी की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो रख देंगे 2 μ t cos r प्लस लैम्डा बाय टू इक्वल टू 2n λ/2. यहाँ से 2 μ t cos r इक्वल टू हमारा आ जाएगा
टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू, आपको ये कंडीशन याद रखनी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो याद रखिए कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, कंडीशन फॉर मैक्सिमा हमारी टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू होती है, या इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई टू होती है टू म्यू टी आर, है ना, ऑड मल्टीपल है. अब यहाँ पे प्लस लगा लीजिए माइनस लगा लीजिए, सिर्फ ये अंतर आता है. अगर यहाँ पे मैं माइनस ले रही हूँ तो एन इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, और प्लस साइन ले रही हूँ तो एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा. कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, द पार्ट डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, यानी डेल्टा पी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू. डेल्टा पी की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो रख लेंगे, टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय टू, यहाँ से लैम्डा बाय टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू टू एन लैम्डा बाय टू, तो यानी टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू आता है. ठीक है, तो आप कोई सी एक कंडीशन याद रखिए, दूसरी आप खुद लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनिमा की कंडीशन टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू होता है. तो जब मिनिमम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू हो रहा है तो ऑब्वियस है मैक्सिमम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू होगा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, है ना. वेयर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिन फिल्म का, टी थिकनेस है फिल्म की, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एन ऑर्डर है, लैम्डा वेवलेंथ है जो लाइट है उसकी. इसको नोट करिए, फिर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिट वाले की फिगर बनवानी है मुझे आपको. लैंग्वेज में क्या चेंज होगा वो बताऊंगी, और लास्ट में जो कंडीशन में चेंज होगा वो बताऊंगी. बीच का डेरिवेशन आप खुद करेंगे, है ना, सेम इसी तरीके से होगा. मैम एग्जाम में डेरिवेशन कैसे पूछा जाता है? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही आएगा, या फिर ये आएगा कि आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है थिन फिल्म के अंदर रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए डिस्कस करो, है ना. तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन तक बताना है, या फिर मैंने क्वेश्चन लिखवाई दिया कि फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, सेम यही क्वेश्चन आएगा. और न्यूमेरिकल्स तो फिर बाद में करेंगे ही, कैसे आते हैं न्यूमेरिकल वो डिस्कस करेंगे बाद में, जब इंटरफेरेंस पूरा हो जाएगा तो पूरे इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे. इसमें हो गया, चलिए तो फिर नेक्स्ट करते हैं. तो क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया था सेम वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. वहां पे हमने लिखा था ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, अब लिखेंगे ड्यू टू ट्रांसमिट लाइट. ठीक है, लैंग्वेज भी देखिए सेम वही है जो मैंने वहां पे लिखवाई थी, सिर्फ क्या चेंज होगा. दे कंसीडर द ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लेट द लाइट रे फ्रॉम एस इज इंसिडेंट एंड एंगल आई ऑन द अपर सरफेस ऑफ फिल्म आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन द रे वन एंड टू आर ऑब्टेन एज ए. यहाँ तक सेम है, सिर्फ ये लैंग्वेज चेंज है. वहां पे लिखा था रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रांसमिटेड कंपोनेंट, ऑप्टेन एज ए ट्रांसमिटेड कंपोनेंट. As ray 1 and 2 satisfy the condition for superposition of interference pattern is obtained. Same, मैंने figure में जो angles लिए हैं वो भी वही लिए हैं जैसे हमने वहां पर लिए थे. ठीक है, same naming मैंने वही रखी है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो light incident हुई इसको कोई नाम नहीं दिया, जो lower surface पे incident हुई थी light उसको मैंने A नाम दिया, यहाँ से reflect हुई C direction में, यहाँ से जो बाहर emerge out हो गई उसकी हम already बात कर चुके हैं, जो C पॉइंट पे वापस रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट कंपोनेंट बनी टू. ठीक है, इन दो रेस की बात कर रहे हैं. और परपेंडिकुलर हमने DL जैसे वहां पे ड्रॉ किया था सेम वैसे ही ड्रॉ किया, और CN जैसे हमने वहां ड्रॉ किया था. एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल I है, तो लाइट जब किसी थिन फिल्म से बाहर इमर्ज आउट होती है सेम उसी एंगल से इमर्ज आउट होती है जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है. तो अगर ये I है तो ये वाला एंगल भी I होगा. फिर हमारा ये एंगल 90 माइनस आई होगा, ये परपेंडिकुलर डरा है ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी आई होगा. जैसे वहां पर ऊपर ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पर एंगल आई था, सेम ऐसे यहाँ पर आई बन रहा है. इंटरनल एंगल यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आर है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये आर होगा. ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, ये आर है. ये फिर अल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये आर है तो ये वाला एंगल आर होगा. इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है तो ये वाला आर होगा. तो सेम एंगल यहाँ पर सेम वैसे ही ट्रायंगल है, सेम वैसे ही एंगल है, और इस फिल्म की थिकनेस भी टी है. और पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए पॉइंट तक दोनों रेज रे वन और टू सेम पार्ट ट्रेवल कर रही हैं. ए पॉइंट से रे टू मीडियम के अंदर एक्स्ट्रा चल रही है, ए सी प्लस सी डी,
और हमारी जो रे वन है इतनी देर में एयर एयर में एक्स्ट्रा चल रही है, तो सेम पार्ट डिफरेंस भी हमारा वही है एसी प्लस सीडी इनटू म्यू माइनस एल। तो जो पीछे हमने डेरिवेशन किया है सेम वही डेरिवेशन यहाँ पर कॉपी हो जाएगा इक्वेशन एट तक, इक्वेशन एट के बाद कंडीशन चेंज होगी है ना। तो इक्वेशन एट तक क्या करेंगे, जो डेरिवेशन हमने पीछे किया है रिफ्लेक्टेड का सेम वही डेरिवेशन कॉपी होगा, लैंग्वेज में सिर्फ यहाँ पर ट्रांसमिटेड वाली लैंग्वेज चेंज होगी और ये फिगर चेंज होगी और डेरिवेशन इक्वेशन एट तक सेम रहेगा। तो इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट कंडीशन पे बात कर लेती हूँ कि इक्वेशन एट के बाद आपको क्या चेंज करने हैं, ठीक है। वो डेरिवेशन आप खुद से करेंगे और फिर फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे, तो बस इस फिगर को बना लीजिए अभी और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। ये फिगर पे थोड़ा जूम कर दीजिएगा। हाँ, इस फिगर को जूम कर देती हूँ, रुकिए। हो गया मैम, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज आप वहीं से नोट कर लीजिएगा, बस ऑप्टेन एज ए ट्रांसमिटेड कंपोनेंट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेम हमारा पार्ट डिफरेंस म्यू एसी प्लस सीडी माइनस एल, एसी की वैल्यू ट्रायंगल एसीएन से निकाल लेंगे, सेम वैसे ही आएगा टी अपॉन कॉस आर। फिर ट्रायंगल सी एन डी से सीडी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी हमारा टी अपॉन कॉस आर रहेगा। एएल की वैल्यू निकालने के लिए पहले ट्रायंगल ए एल डी यूज कर लेंगे, फिर ए एन सी से हम जो है ए एन और एन डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ए एल भी आ जाएगा, ए एल सेम हमारा वही आएगा जैसे वहां पर आया था 2t tan r sin i, सेम वहां पे भी हमने sin i की वैल्यू रखी थी वैसे ही पुट करेंगे और हमारा पार्ट डिफरेंस इक्वेशन 8 तक आ जाएगा डेल्टा p इक्वल टू 2μt cos r। अब यहाँ से चेंज होगा, हमने रिफ्लेक्टेड वाले में क्या किया था, यहाँ पे हमने एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऐड किया था क्योंकि जो हमारी लाइट वन थी वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, बट यहाँ पर जो रे वन है और रे टू है कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, दोनों लाइट जो है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, चाहे रे वन की बात करें चाहे रे टू की बात करें। तो इसलिए मतलब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रे वन तो बल्कि हमारी फिल्म के अंदर से ही निकल के आ जा रही है, पूरी ट्रांसमिट कर रही है, और रे टू रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो रेयर मीडियम से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऐड नहीं होगा। तो यहीं पर जो इक्वेशन एट है इसी के बाद हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज कर लेंगे। वहां पर हमने क्या किया था, एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऐड किया था फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे, इक्वेशन एट के बाद ही कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लगाएंगे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा जब हम लगाएंगे तो वही कि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो डेल्टा पी इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2, तो 2μt cos r इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमा द पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो डेल्टा पी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा 2μt cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं जो बताना चाहती हूँ क्या बताना चाहती हूँ, वहां पर जो हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी था वो यहाँ पर कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड में जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी था वो यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, वहां पर जो कंडीशन फॉर मैक्स मिनिमम इंटेंसिटी था यहाँ पर वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरफ्रेंस होता है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में वो एक दूसरे से अपोजिट होता है, या कह लीजिए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एन यहाँ पे नहीं जीरो से स्टार्ट होगा, अगर हम प्लस ले रहे हैं तो एन जीरो से स्टार्ट होगा, माइनस ले रहे हैं तो वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो बात ठीक है, अभी हमने प्लस साइन ले रखा है तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब माइनस लेते तो वन से स्टार्ट करते, तो द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इन
द रिफ्लेक्टेड इन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम and transmitted system is reversed or opposite bhi likh sakte hain is reversed or opposite thus the interference pattern obtained in the two cases become complementary aur kya bol sakte hain in interference pattern if interference pattern has maximum intensity in reflected system then it will have minimum intensity in transmitted system or vice versa kaise if interference pattern has maximum intensity in transmitted system then it will have minimum intensity in reflected system theek hai to agar ek mein maximum intensity hai reflected wale mein maximum hai to transmitted mein minimum intensity hogi interference in thin film due to wedge shaped film karenge ठीक है और वेज शेप्ड फिल्म खुद से तो एग्जाम में कम आता है बट उसकी एप्लीकेशन है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट या उसका एक्सटेंशन है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट तो उसकी जो कंडीशन हम वेज शेप्ड की निकालेंगे वो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में यूज होती हैं तो जब तक वेज शेप्ड नहीं पता है फिर हम न्यूटन्स रिंग समझना मुश्किल हो जाता है ना तो कल फिर इसलिए हम वेज शेप्ड पढ़ेंगे सिलेबस का भी पार्ट है ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर का है कुछ